already started teaching lessons? We'll be starting from now. Nothing happened. So, you have a female daughter. I told you all, when I start out. What is going to be hanging around? Are we ready? Before I start with the lecture and continue what I wanted to do, just anyone if possible, can you on all the lights, please? Proper was there even the next time you feel like you used to it. लाइट थोड़ा फ्लिक कर रहा है। अभी फ्लिक कर रहा है। What that will help you out is it will you will get the full content recorded along with the teaching. Okay. Can we go ahead? Stay for if you understand algebra. Hello friends. What we will do is along with your normal teaching, we'll even record the lecture. Now content wise jaya, so pehle ye baat hai. We have maths. Okay? And maths is being divided into what? Two part. The first part of the maths is called what? Algebra. Okay. And the second part is called as geometry. Coming back friends, if you understand. Under algebra, what are you going to study? So you are chapter wise into first chapter name is equation with two variables. Okay. Abhi already aap school life mein padhe ho. Aapne equation with one variable padha hai. Aapne थोड़ा सा इक्वेशन में टू वेरिएबल लाइन तो पूरा कंटेंट है उसी का पार्ट है एक्सटेंडेड है फर्दर दो तीन एक्स्ट्रा मेथड है सेकंड आपको सेकंड चैप्टर जो 10th स्टैंडर्ड का आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यार एक्चुअली देखा जाए तो हाउ मेनी चैप्टर्स आर डिवोटेड टू एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज टू चैप्टर्स व्हिच आर टोटली डिवोटेड टू एक्सप्लेन यू व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब यह इक्वेशन टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक के दोनों इक्वेशन के ही चैप्टर्स है अब इसके बाद अगर थर्ड चैप्टर में जाओगे तो व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हाट इज इट चौथा चैप्टर आप जाओगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग व्हाट इट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फिफ्थ चैप्टर इज व्हाट ऑर्डर वाइज इट इज प्रोबेबिलिटी एंड सिक्स्थ चैप्टर इज व्हाट इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट स्टैटिस्टिक्स अगर आप नोटिस करो तो टोटल हमारे पास जिनके एल्जेब्रा पूरा साल है और
पूरे साल में गिन के सिर्फ कितने चैप्टर्स पढ़ने? सिक्स चैप्टर. वी आर सपोज्ड टू स्टडी ओनली सिक्स चैप्टर, दैट्स इट. अब ये इतना पोर्शन है बच्चों, अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो मैं आपको एक महीने में पूरा याद करवा सकता हूँ सब कुछ. बट वी आर सपोज टू स्टडी दिस एंटायर इन व्हाट, वन ईयर. अब यार एक साल में छह चैप्टर, तो अगर थोड़ा भी मैच हो, हमारे पास 12 मंथ है, 12 मंथ डिवाइड बाय 6 चैप्टर, पर चैप्टर कितने महीने लगते हैं? 2 महीने. और वो ऐसे चैप्टर्स, आज मैं जो चैप्टर्स समझो चल रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ स्क्रीन कर, वो 2 से 3 दिन में आपको पूरा आने लगे. दैट मच ईजी इट इज. तो याद रखना, सेम कंटेंट को आपकी टीचर ऐसे फील कराएगी बहुत टफ है, और सेम कंटेंट को मैं आपको फील कराऊंगी बहुत ईजी है. एंड में ईजी हार्ड ना देखे सिर्फ ये समझो कि क्या सच्ची ये साल भर पढ़ने8 to 10 marks weightage, 8 to 10 marks का बोर्ड एग्जाम में वेटेज है, ठीक है. अब यार इस पूरे चैप्टर में कितनी एक्सरसाइजेस हैं? इफ यू स्टडी, हाउ मेनी एक्सरसाइजेस आर देयर? वी फाइंड आउट 5.1, राइट, 5.2, 5.3, राइट, और एक और एक्सरसाइज है क्या? दैट इज 5.4. मतलब गिन के आपको कितनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है? 4 एक्सरसाइज. अब एक एक्सरसाइज करो, 2 एक्सरसाइज करो, 3 एक्सरसाइज करो या 4 एक्सरसाइज करो, सबसे पहले ये समझो इस चैप्टर में आप क्या सीखने और समझने वाले. तो गोइंग इनटू एक्सरसाइज, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी अंडर दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे? तो जो कुछ भी पढ़ोगे उसको क्या बोलते हैं? माइंड मैप ऑफ द चैप्टर. माइंड मैप का मतलब क्या होता है अनुसर, कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी. तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी? यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉइन. व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी अबाउट? यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉइन. सबसे पहले हम लोग कॉइन के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर स्टडिंग कॉइन द सेकंड थिंग दैट यू विल स्टडी, बच्चों आप लोग कॉइन समझ गया, तो दूसरी जो चीज पढ़ने वाले वो क्या पढ़ रहे? डाइस. चैप्टर में टोटल ये कंटेंट पढ़ना. देखो एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पता चलेगा चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज सॉल्व कर ले. टेक्स्ट बुक्स अभी कुछ मत देखो, बस सिर्फ ध्यान दो क्या क्या है, ठीक है. पहले क्या पढ़ोगे? कॉइन. दूसरा क्या पढ़ोगे? डाइस. द सेकंड थिंग दैट यू स्टडी इज डाइस. आफ्टर डाइस द थर्ड थिंग दैट यू विल स्टडी अंडर दिस चैप्टर इज नथिंग बट कॉल्ड इज व्हाट? कार्ड्स. आपको जो तीसरी चीज इस चैप्टर में पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? कार्ड्स. कार्ड्स हो जाने के बाद द फोर्थ थिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इट इज नथिंग बट कॉल्ड इज व्हाट? नंबर. एंड द लास्ट दैट यू विल स्टडी इज नथिंग बट कॉल्ड इज व्हाट? कॉम्बिनेशन. मतलब अनुसर इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीस 5 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. दिस इज व्हाट यू विल स्टडी. ऑल द क्वेश्चंस वुड बी बेस्ड ऑन दीस थिंग्स. दिस इज व्हाट यू विल स्टडी. राइट, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉइन, ओके. यू विल स्टडी अबाउट डाइस, दैट्स वंडरफुल. यू विल स्टडी अ कार्ड्स. आफ्टर कार्ड्स यू विल स्टडी व्हाट? एंड द लास्ट दैट यू विल स्टडी इज कंप्यूटर. मतलब ये 5 कॉन्सेप्ट्स कर लोगे पूरा चैप्टर याद हो जाएगा. एग्रीडिंग दिस? तो व्हेन आई आस्क यू व्हाट थिंग्स वुड बी आस्क्ड इन दिस चैप्टर, द आंसर टू यू और द आंसर टू सच क्वेश्चन इज, फर्स्ट यू विल स्टडी अबाउट कॉइन, द सेकंड यू विल स्टडी अबाउट डाइस, द थर्ड यू विल स्टडी अबाउट कार्ड्स, द फोर्थ यू विल स्टडी अबाउट नंबर, एंड द लास्ट यू विल स्टडी अबाउट कॉइन. सॉरी कम्युनिटी. अब कमिंग बैक, कॉइन में कितने कॉइन्स? इफ यू आस्क हाउ मेनी कॉइन्स, सो पूरे सम्स जितने भी हैं वो 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन, इससे ज्यादा नहीं.
जब आप इस चैप्टर में कॉइन्स के बारे में पढ़ोगे तो उस कॉइन्स में क्या क्या पढ़ोगे, तो आंसर उसका जवाब मिलता है एक कॉइन, नहीं तो दो कॉइन, नहीं तो तीन कॉइन, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने वाले नहीं। अब वैसे ही प्रश्न उठता है डाइस व्हेन यू विल स्टडी, व्हाट यू विल स्टडी, भाई डाइस में आप क्या पढ़ोगे, तो एक डाइस पढ़ोगे नहीं तो दो डाइस पढ़ोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ोगे। सर आपका 10th स्टैंडर्ड इज वेरी लिटिल दिस चैप्टर, यार अगर आपको 5th में भी पढ़ाया रहता तो भी तब भी तुमको फुल। आई डोंट नो व्हाई सच अ सिंपल चैप्टर इज गिवन टू यू इन 10th एंड दैट टू सो सिंपल थिंग। यू रियलाइज व्हेन आई टीच यू फाइनल ईयर, सर ये तो कितना इजी है। हाँ 10th इजी है, इसीलिए तो फुल मार्क्स लाना आसान है मैथ्स में। कैन वी गो ओके नेक्स्ट आफ्टर डाइस द सेकंड A story of cards. If you ask me how many cards we have, so all together 52 cards. यार आपने कभी भी pack of cards ले लो, you will have 52 cards. And we will study the whole story of the cards. भाई cards क्या होते हैं, कितने types के cards होते हैं, उसके क्या-क्या concepts. And then moving ahead after concept cards, we will have number. Let's say 0, 1, 2, 3, 4. ये numbers. इनके दो digit number बनाए. लास्ट को कम्युनिटी में लेट्स से दे कुड बी बॉय 1 बॉय 2 गर्ल 1 गर्ल 2 या कि तीन बॉय 2 गर्ल कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट यू विल हैव, तो आर यू गेटिंग द स्टेप 1 राइट। सो स्टेप नंबर 1 व्हाट डिड आई टीच यू राइट नाउ, आई सेड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी, इन द बोर्ड एग्जाम यू विल हैव 8 टू 10 मार्क्स का क्वेश्चन, आई विल टेल यू आल्सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल हैव राइट नाउ। व्हाट यू शुड डू, ऐसा क्या करूं सर कि इसको पढ़ते ही मुझे पूरा चैप्टर याद हो जाए, तो इसको पढ़ते ही पूरा चैप्टर याद करने के लिए सबसे पहले ये समझना कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सी आई विल यूज अ लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, सिंपल सी बात है इंडिया में हिंदी बड़े आराम से समझ जाते हैं, देन बीइंग इनटू इंग्लिश मीडियम ऑब्वियसली यू शुड नो इंग्लिश आल्सो। तो पहली बात क्या आएगी सर, कॉइन। दूसरा क्या आएगा, डाइस। अच्छा कॉइन हो गया, डाइस हो गया, जो तीसरी चीज आएगी वो क्या है, कार्ड्स। क्या आएगी, कार्ड्स। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, नंबर। और लास्ट को क्या आएगा, सो इफ यू सी दीज आर द फाइव थिंग्स दैट यू आर सपोज्ड टू नो, इज दैट ओके। चलो अब आगे चलते हैं, अगर ये क्लियर है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलो वन एट ए टाइम हम लोग अब पांचों कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों पूरे चार के चार एक्सरसाइज में आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा, व्हाट इज सैंपल स्पेस, व्हाट इज event and what is probability of the event, ये तीन नए नए words हैं, मैं आपको समझाता हूँ, tension नहीं। So first thing, let's understand this, अगर coin के बारे में बात करते हैं हम लोग, so first type is about coin, अब coin में आपके 10 standard में कितने coin की story है, 1 coin, 2 coin और 3 coin, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। I don't know, तुम्हारा तुम वही स्कूल में जाके पढ़ते हो, तुम वही ट्यूशन में पढ़ते हो, उसके बाद भी सर बहुत टफ है। सर अपने दिमाग की इज्जत रखो सर, इंसान हो बहुत होशियार हो, दिस लिटिल एंड यू से टफ, इट्स नॉट एट ऑल टफ, बस ध्यान से सुनो। चलें साहब, सो द फर्स्ट थिंग इज यार एक कॉइन टॉस करेंगे, क्या करेंगे, वन कॉइन इज टॉस्ड। अब मुझे बताओ सबसे पहला क्वेश्चन आता व्हाट इज सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस का मतलब है कि उसमें क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस इसका मतलब होता है क्या क्या आ सकता है। अब यार आप सब होशियार लोग मुझे बताओ, ये कॉइन लो और टॉस करो, इफ आई टॉस अ कॉइन व्हाट डू आई गेट, आइदर आई विल गेट हेड और आई विल गेट टेल, सिंपल। अब यार ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी आता है, यू गो एंड आस्क अ चाइल्ड कॉइन टॉस कर क्या आएगा, बोले हेड और टेल, क्या बड़ा मुश्किल है। सो व्हेन यू टॉस अ कॉइन आइदर यू गेट व्हाट, हेड और यू गेट व्हाट, टेल। सो सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या आ सकता है, अगर इंडिया का एक सैंपल स्पेस है तो क्या आएगा, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी राइट। वैसे एक वो तो बड़ा है उसमें नहीं जा रहे, वो आपके टेंशन नहीं है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ इंडिया, नो यू डोंट हैव सच क्वेश्चन, यू हैव वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट कॉइन टॉस, एक कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा साहब, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो सिंपली यू गो एंड राइट हेड और टेल। अब इसके सैंपल पॉइंट कितने होंगे,
टू, क्योंकि इसमें दो मेंबर्स है हेड और टेल. ओके सो वन कॉइन इज टॉस्ड. व्हाट डू आई गेट? आई गेट हेड और आई गेट टेल. इज दिस ओके? और उसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट? सैंपल पॉइंट मतलब उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? कितने मेंबर्स हैं? हेड और टेल. दो मेंबर्स थे हम लोग ने क्या लिखे? दो. इज दिस ओके? इज दिस फाइन? अच्छा अब एक यस डिड यू गेट दिस? इज दिस ओके? एनी प्रॉब्लम? इतना लिख लेना जस्ट साइड इट ऑन दिस वन एंड देन दिस वन दिस साइड इट ऑन. Is this done? Is it done with that? Complete. One word is okay. After first coin, let's one coin is done. After one coin, there could also be what? Two coin. So if I toss a two coin, so simple it is. What would you get? If you ask me, simple. If I toss two coin, in that case, what do I get? So the answer to is simple. Either I get both the head, भाई दोनों head आ जाएंगे. नहीं तो क्या होगा? First पे head आएगा और दूसरे पे क्या आएगा? Head. नहीं तो क्या होगा? पहले tail आ जाएगा और दूसरे पे क्या आएगा? Head. और नहीं तो आखिरी option क्या है बच्चों? दोनों tail आ जाए. Right? Either you get both the heads or you get both the tail or you get first head. सेकेंड टेल और फर्स्ट टेल सेकेंड बराबर है ना? मतलब यार दो कॉइन टॉस करो तो क्या हो सकता है यार? दोनों हेड आएंगे, नहीं तो दोनों टेल आएंगे. नहीं तो पहला हेड आएगा दूसरा टेल, नहीं तो पहला टेल दूसरा हेड. इसका मतलब इसके अंदर सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए बच्चे? दिस इज सिंपल ना? कैन यू राइट दिस? यस. सो वन कॉइन इज डन. सेकेंड कॉइन यू कैन राइट डाउन. We are done with one coin, we are done with what? Two coins. No problem with the coin, one coin toss. No problem with two coin toss. Can we move ahead? One coin, two coin. अब आगे चलते एक coin भी हो गया, दो coin भी हो गया. अब इसके बाद कितना coin आएगा बच्चे? Three coin. So let's understand if three coins are tossed. बच्चो आप मुझे आप बताओ. अगर मैंने तीन coin toss किया, कितने coin toss किए? Three coin. If I toss थ्री कॉइन या थ्री कॉइन्स आर टॉस, तो इसके अंदर सैंपल स्पेस क्या है? तो थोड़ा ध्यान देखो बच्चों. देखो वन कॉइन तो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा बोल सकता है, टू कॉइन सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा बोल सकता है, बट व्हेन आई से थ्री कॉइन्स तो थोड़ा सा टेन स्टैंडर्ड का ही बच्चा बोल सकता है. मतलब थ्री कॉइन एक्चुअली है क्या? थोड़ा सा टफ है. स्टार्ट करें तीन कॉइन का. अब सबसे पहले समझने की कोशिश करो. कैन वी गो एंड स्टार्ट?
तो तीन कॉइल में क्या होगा, आप ध्यान दो, पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा हेड, तीनों हेड आ जाए, तीन कॉइल में क्या है, तीनों हेड। अच्छा, और नहीं तो ये हेड की जगह पे हेड हेड और क्या आएगा, टेल। अब नहीं तो ये अपना जगह बदल देगा, आगे आ जाएगा ना, बराबर, तो क्या आएगा, हेड टेल हेड, और नहीं तो ये जगह और आगे बदल देगा तो क्या आएगा, टेल हेड एंड हेड। आर यू गेटिंग दिस, चलो बोलो पहले क्या आएगा, हेड हेड हेड, हर्ड 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 नहीं, ओके, हेड हेड हेड, और वो हेड को हटाने के बाद बच्चों बोलो क्या आएगा, हेड हेड टेल। अच्छा वो आगे आ गया तो क्या आएगा, हेड टेल हेड, और आगे आया तो क्या आएगा, टेल हेड। Is this okay? Yes. Yes. अब यार तीनों हेड स्टोरी खत्म हो गए तो कहाँ जाएंगे हम? Tell, tell, tell. One more time. Tell, tell, tell. अब ये tell का वर्ड हटा दिया तो क्या आएगा? Tell, tell, head. ये आगे आ गया तो क्या आ जाएगा? Tell, head, tell. और आगे आ गया तो क्या आएगा? Head, tell, tell. और इसके sample points कितने होंगे बच्चे? यार एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, तो टोटल एट आ रहा है। गेटिंग दिस? अच्छा, आउट ऑफ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, विच यू आर सपोज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, 3 पॉइंट। तो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। यू वांट 1 पॉइंट प्रैक्टिस, हेड एंड टेल। यू वांट 2 पॉइंट प्रैक्टिस, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, और 3 पॉइंट प्रैक्टिस थोड़ा सा लिख के निकाल लो। तो अगर 3 कॉइन बोला हम लोग ने, सो हाउ डू यू राइट, कैन यू प्लीज हेल्प मी, 3 कॉइन का हेड हेड हेड। अब ये जगह बच्चों बदल जाएगा, उस जगह पे क्या आ जाएगा, ओके वंडरफुल, हेड हेड हेड, और आगे बोलो क्या आएगा, हेड टेल हेड, और आगे क्या आएगा, टेल हेड हेड। एम आई राइट? अच्छा, अब यार तीनों हेड की जगह पे क्या आने वाला, तीनों टेल आएंगे। So let's write tell, tell, tell. उसके बाद क्या आएगा? Tell, tell, head. उसके बाद क्या आएगा? Tell, head, tell. उसके बाद head, tell, tell. और इसके sample points कितने होंगे? अब आप 2-4 बार लिख लोगे तो अपने आप क्या होगा? याद होगा। So kindly write on this much. So बस इससे ज़्यादा आपके पूरे tension में coin के बारे में question नहीं। Either they will ask you coin or they will ask you what? 1 point, 2 point, 3 point, 3 point से ज़्यादा वो लोग पूछने वाले हैं नहीं। Did you get this? Wonderful. Write it down this whole. Do you find this easy? Yes, so easy it is, na? Okay. So done with it. 1 coin is done. 2 coin is done. 1 coin is done. 2 coin is done. And 3 coin. Any problem with this? Yes. Are you? You got it right? After 1 point, 2 point, 3 point. 1 point? Okay. 2 point? Okay. Teesra kaun sa coin? 3 point. 1 point bolo answer kya? Head common. 2 point kya? Head. Head. Head tail. Tail head. Tail tail. Acha. 3 coin toss kiya to kya hai? Head. 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 Okay. Head. Head. Tail. Okay. Head, tail, head, and then tail, head, head. उसके बाद tail, 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 head, tail, head, tail, and last head, tail. You want me to write again? Are you sure you got it? Fix with it. Now, अब जब भी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, maths में मेरा क्या है? जैसे एक coin है, मैं practice नहीं करूँगा. दो coin में practice नहीं करूँ. क्यों? जो चीज़ easy है, उसके लिए time pass क्यों करूँ? तो अनुसर क्या प्रैक्टिस करूंगा, जब भी प्रैक्टिस करूंगा आई विल राइट 3 कॉइन, वो भी 2-4-10 बार लिख दिया तो उसके बाद फॉरएवर क्या हो जाएगा यार, राइट? अच्छा एक बात बताओ, इसका कोई इजी हार्ड ऐसा कोई उशार को गाइड, इससे कोई लिंक है क्या? यार आप इंसान हो, मैंने अच्छे समझा दिया, तुम समझ गए कहानी का, तो एनी प्रॉब्लम विथ इट? बड़ा डिफिकल्ट लग रहा, कैन वी गो इट डन विथ इट? आफ्टर दिस वेवर वी विल गो डाइस, where you will go? Dice. अगर डाइस तो बहुत चिल्लर है, पहला वाला तो बिना पढ़े आप आंसर दोगे, बोले सर क्या है इतना इजी सर, नो अब क्या करें यार, मार्शल गुड को नहीं समझता,
हम लोग टेंथ में यार थोड़ा टफ लाओ, इतना इजी चैप्टर लाके रख दियो। अच्छा क्यों मास्टर बोर्ड में लाए? ताकि मास्टर बोर्ड में सब बच्चे पास हो और बोले मास्टर बोर्ड अच्छा। अब यार एक बात बोलो, डाइस देखो कितना इजी, नो कमेंट ऑन बोर्ड बट आई थिंक दिस इज सो इजी ना बाबा। उसके बाद भी बहुत बच्चे चल। अब यार मुझे बताओ डाइस की कहानी में पूरे एग्जाम में कितनी डाइस आने वाली? लूडो खेला रहेगा ना? अच्छा लूडो जब खेलते हो तो कौन सा नंबर आएगा बताओ जी? सर मेरा फेवरेट 6666 आता है राइट, पर नॉर्मली कौन सा नंबर आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, कहां से कहां तक? सिंपल। So in short, if you ask me, when I throw a dice, what do I get? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. और इसके sample coins कितने होंगे? 6. क्योंकि इसके अंदर 6 members हैं। Done. एक dice खत्म। Understood? Any problem? Yes. तुम लोग थोड़ा सा ऐसे एकदम serious mode मत रहो, smile on your face. वो tension आ रहा है, डर लग रहा है। कितनी कोइन? 1 डाइस पर। बोलो क्या आएगा जी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is this okay? और इसके points members कितने होंगे? 6. Done. तो ये बच्चा भी अच्छा, ये मैं first standard में पढ़ा था तो तुम नहीं समझते? समझते ना। ये 2 का table 10 तक learn करवा दिया तो ये 6 number है। This is very easy ना। स्टेट बोर्ड भी बड़ा मस्त है। उसने बोला नहीं मैं टेंथ में तुमको, तुम भी मेरे को क्या याद है, बोलते हमने इजी चैप्टर बोला। डिड यू गेट दिस? तो वन डाइस स्टोन व्हाट डू यू गेट? 1, 2, 3, 4, 5, 6. डिड यू गेट दिस? अब वन डाइस के बाद दूसरा क्या है? 2 डाइस। यस। अब तुमको थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा यार एक बात बताओ, ये एक डाइस है, इसके नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। ये एक डाइस है ठीक है ना? हाँ। और ये भी एक डाइस है, इसका नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और दोनों डाइस को मिला के क्या आ सकता है? राइट, तो देखो मैं लिख रहा हूँ क्या आ सकता है। स्टार्ट करो, कैन वी गो अहेड? सबसे पहले 1 नंबर लेंगे, तो 1 के साथ 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6, मतलब 1 खत्म। 1 के साथ क्या है? 2। 1 पहले 1 के साथ क्या है? 1। फिर 1 के साथ क्या है? 2। फिर 1 के साथ 3। फिर 1 के साथ 4। फिर 1 के साथ 5। फिर 1 के साथ 6। 1 की कहानी खत्म। अब 1 के बाद किसके पास है? 2। चलो बोलो क्या है? 2 1। उसके बाद 2 2। उसके बाद 2 3। उसके बाद 2 4। उसके बाद 2 5। Yes, that's wonderful. And last what do you have? 2 6। 2 खत्म। अब किसके पास जाएंगे? 3। क्या इजी लग रहा है ना? हाँ इजी तो है। Let's go ahead. Answer me. 3 1 3 2 3 3 3 4 4 I have to bend down. 3 5 and last you have 6 Okay, 3 is done. Let's move to the next part now. 4 Who's it? 4. Can you go ahead? Yes. Answer me. 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 4 6 6. After 4 is the next part. 5. Let's go ahead. 5 4 5 3 5 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
6 2 6 3 6 4 4 6 5
Six. Six. And if I take the total, I get number of sample point, which is nothing but 30 students. My 10 standard student, have you understood? Yes. So this was bit tough. Why? You have 2 dice. You won't have any question more than 2 dice. So chalo, ek baar hum log repeat karte. Are you all ready? On your screen. तुम लोग लिखने में बहुत इंटरेस्ट रख रहे हो, तुम लोग समझने में इंटरेस्ट रख, पहले दिमाग में जाने दो और उसके बाद कहाँ जाने का. तुम्हारे स्कूल लाइफ में मालूम क्या होता है, इधर किधर कुछ गया या ना गया, बट किधर जरूर जाना चाहिए, पहले किधर जाना चाहिए, दिमाग में. वैसे यार एक बात बताओ, बुक खत्म हो जाने के बाद क्या काम है, जो दिमाग में गया है ना, तो पहले कहाँ लिखना है अपने को, दिमाग में. चलो लेट्स स्टार्ट. हाउ मेनी डाइस? One मतलब बड़े चिल्लर है. Can we go? चिल्लर मतलब easy, okay? नहीं तो बोलो ये क्या था, कौन सा टॉमी है? What is this phrase, sir? चिल्लर. चिल्लर means easy. चल, let's start. One dice roll. बोलो क्या आएगा? One, two, three, four, five, six. Are you? Let's start. First, one. One, two, three, four, five, six. Done. Out. अब उसके बाद कौन सा? दो dice. इधर भी इधर भी. Start करें. Yes. Let's start. Pehla one ke saath. One. One. Two. One. Two. Two. One. Three. One. Four. Four. One. Five. One. Six. Ab one ke baad kiske baad hai? Two. Two. One. Two. 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 Three. Two. Four. Two. Five. Two. Six. Uske baad three. One. Three. Two. Three. Three. अब किसके पास जाएंगे? फाइव 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 सिक्स. उसके बाद किसके पास जाएंगे? वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सेवन. सेवन ये देखो, अब कौन सी डाइस है आपकी जो सेवन लेके आए? क्या मालूम नहीं आती नहीं है, सिक्स सिक्स ही है मैक्सिमम यू हैव इज. कभी कभी कुछ लोग ना, नहीं नहीं सर क्या बोले सर, हमने सेवन देखा था तो सपने में. दिस आई एम डन विद यू. सो यार एक डाइस हो गया, दो डाइस हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो पूरी चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना था बोलो? कॉइन, डाइस. अब तीसरे के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तीसरे. सो कार्ड्स की कहानी सुनो. इज दिस डन? कैन आई राइट? यस. हैव यू रिटन? नो. सो यू राइट इट डाउन. एवरीबॉडी राइट इट डाउन. इतना लिख लो फिर हम लोग आगे चलते हैं. उसके बाद
Is this done? Yes. Done. After coin is done, after dice is done, let's move to the cards. भाई आप सब ने बचपन में कभी तो कार्ड्स नहीं देखा, नहीं देखा तो आज समझ लो पूरी कहानी कार्ड्स है, ठीक। फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू अपने जो पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं उसमें कितने कार्ड्स होते हैं बच्चे? 52 हमी कार्ड्स यू है 52 कार्ड्स ये है एंड दिस कार्ड्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू यू हैव रेड कलर व्हाट कलर रेड एंड सेकंड कलर इज ब्लैक कलर व्हाट कलर ब्लैक Other than this, we don't have any color. Red and black. In this red, how many cards you have? 26. And black also, how many cards you have? You want me to buy cards and show it to you? What? Trust me. Okay. After this, bhai, हमारे पास 52 cards हैं. 52 cards में से 26 लाल और 26 काले. ठीक है ना? Understood? Further, moving ahead. In this red cards, you have तेरा 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 मतलब 13 एंड 13 इसमें भी कितने कार्ड्स होंगे 13 एंड 13 ये 13 13 13 13 ऐसे चारों सेट को ऐड करो एक सेट दो सेट तीन सेट चार सेट तो मिला के 52 कार्ड्स होंगे तो हर एक सेट का नाम है क्लब डायमंड स्पेड ऐसे नाम है ठीक है ना हार्ट ऐसे चार नाम है अब उसके अंदर फेस कार्ड और एस कार्ड आते हैं कौन से कार्ड फेस बच्चों बोलता फेस कार्ड क्या बच्चों ध्यान से सुनो ये जो है ना इधर आपके पास किंग है क्वीन है और जैक है राजा रानी रानी और गुलाम हम लोग हिंदी में बोलते हैं किंग क्वीन एंड फिर उन दोनों का गुलाम जैक हियर आल्सो व्हाट यू विल हैव टेल मी किंग क्वीन एंड जैक अच्छा इन लोग के पास इनके पास नहीं रहेगा क्या इनके पास भी रहेगा चलो बोलो क्या रहेगा किंग क्वीन अच्छा किंग क्वीन एंड मतलब यार क्लियर लग रहा इनके पास भी तो रहेगा वही बोलो क्या रहेगा किंग क्वीन एंड जैक अब यार ये तीन कार्ड ये तीन कार्ड ये तीन कार्ड ये तीन कार्ड इनको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड सर फेस क्यों बोल अरे भाई पिक्चर है ना उसमें राजा का पिक्चर है रानी का पिक्चर है गुलाम का पिक्चर है तो यार ऐसे अगर जिसमें पिक्चर है उसको उन लोगों ने क्या कार्ड्स का नाम दिया फेस का फेस आर यू गेटिंग दिस तो फेस कार्ड्स कितने होते तेरा 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 ये फेस कार्ड ये क्लब्स हैं स्पेड है वो सेट है उसके अंदर इसके अंदर कितने कार्ड्स इसके अंदर कितने इसके अंदर तीन इसके अंदर तीन अच्छा तीन तीन चार सेट के कितने कार्ड्स होते हैं वेल तो अगर मैंने लिखा फेस कार्ड्स कितने होते हैं सो व्हाट इज योर आंसर इट इज 12 कार्ड्स इस पे कोई रोना है नहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं अच्छा यार फेस कार्ड के बाद सबसे बड़ा कार्ड जो आता है उसको बोलते हैं एस हर एक में एक एस कार्ड एस को आप बोलते हैं इक्का एस कार्ड इधर भी है इधर भी है इधर भी है और इधर भी जो पिक्चर में एक ए लिखा रहता है ए को ए का मतलब ही क्या होता है एक का सबसे बड़ा कार्ड एक का होता है ना डिड यू गेट दिस ना तुमने कार्ड्स खेला ना मैंने कार्ड्स खेला बट मैथ्स में आ रहा है इसलिए याद कर लिया सो हम को क्या पूछो सर हाँ ठीक है नो इशू हम ही कार्ड्स भी हैव 52 डिवाइडेड इनटू टू कार्ड्स 26 रेड 26 black उसके अंदर further 13 उसके अंदर face cards king queen jack वापिस से राजा रानी गुलाम राजा रानी गुलाम राजा रानी गुलाम राजा रानी गुलाम ऐसे add करके कितने cards आ रहे हैं 12 कितने आ रहे हैं 12 अच्छा सबसे बड़ा card कौन है पावरफुल एक का तो एक इसके अंदर एक इसके अंदर एक इसके ऐसे एस कार्ड्स कितने होंगे बोलो चार नाउ यू नो द स्टोरी ऑफ द कार्ड्स और यू हैव एनी प्रॉब्लम यू नो द स्टोरी एनी प्रॉब्लम विद देन हो गया लिख लो अच्छे से प्रॉपर नीटली कार्ड्स की
राइट इट डाउन. Is this done? Here? Can you move further? Is this done? So if it is done, अब concept क्या है? क्या है भाई? Cards के बाद क्या था? Numbers. What was it? Numbers. Okay. So let's move and understand numbers. Boss, I give you number and you are supposed to make those two-digit numbers. I give you number 0, 1, 2, 3, 4 and 5. अब इतने numbers आपको दिए जाएंगे और इससे क्या करना है? Digits. क्या करना है? Digits. Two-digit number बनाने. क्या बनाने? Two-digit numbers. अच्छा मुझे एक बात बताओ. Such that digits should not be what? Repeated. Digits should not be repeated. अब पहले तो एक बात बताओ, not repeated मतलब क्या क्या नहीं आएगा? 1-1 नहीं आएगा, 2-2 नहीं आएगा, 3-3, 4-4 और ये नहीं आ सकता क्योंकि उसने बोला digits should not be repeated. Are you getting this? अब ये two digit number start करते हैं. कुछ लोग बोलते हैं 0-1, क्या ये टू डिजिट नंबर है? नो, ये वन डिजिट ही है. अच्छा 1-0, सर दोनों तो ऐसे ही लिखे, बस एक आगे एक पीछे. हां जी 0-1 इज 1 बट 1-0 इज 10 बराबर है नहीं? वो कुछ कुछ बच्चे हां 0-1 दो डिजिट, 0 और 1 है ना, वो बोलते दोनों में फर्क है. अरे पागल है, 9 स्टैंडर्ड 9 इयर्स पढ़ा है. 0-1 मतलब एक डिजिट होता, 1 और 1-0 क्या होता है? 10. तो चलो स्टार्ट करते हैं, 1 के साथ स्टार्ट करते हैं. 1-0, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5. अच्छा 1 हो गया, अब किसके पास जाएंगे? 2-0, 2-1, 2-2, 2-0, 2-1, 2-1 के बाद क्या? 2-3, 2-4. मैंने बोला डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए ना बच्चों. अच्छा 2 के बाद किसके पास जाएंगे? 3 के पास जाएंगे. और जैसे गलती करने में डरने का नहीं, याद रखना इंसान है, बिना गलती के नहीं बढ़ते. एक बार चलना भी सीखा था तो कितने बार गिर के चल लेते ना, खाना भी सीखा था तो इधर उधर पूरे, तो वी ऑल मेक मिस्टेक, उसमें टेंशन क्या है ना, बस मिस्टेक रिपीट नहीं करना. आई गेटिंग दिस? अच्छा 2-5 के बाद क्या आएगा बोलो? 3-0, उसके बाद 3-1, उसके बाद 3-2, उसके बाद 3-4. अच्छा मैं जान बुझ के 5 लिखा, आई वाज लाइक प्लीज टेल मी, उसके बाद क्या आएगा? 3-5. अच्छा 3-5 के बाद फिर कौन आएगा? 4-0 ना, 4-1, 4-2, 4-3, 4-5. वंडरफुल. उसके बाद 5-0, 5-1. क्या बात है, क्या बात है. अब इसके पॉइंट्स को ऐड कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ऐसे टोटल मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 25. एक बार रिपीट कर, आई ऑलरेडी ये देखो
जीरो वन टू थ्री फोर फाइव स्टार्ट करें। पहला वन के साथ, वन के साथ, वन 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 आउट। अब किसके पास जाएंगे? टू टू जीरो टू टू थ्री टू फोर टू फाइव टू आउट। अब किसके पास जाओगे? थ्री थ्री जीरो थ्री वन थ्री टू थ्री फोर थ्री फाइव थ्री आउट। उसके बाद फोर फोर जीरो फोर फोर टू फोर थ्री फोर फाइव आउट। अब फोर के बाद किसके पास? फाइव फाइव जीरो फाइव फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव आ नहीं सकते बिकॉज़ ऐसे रिपीट नहीं होना चाहिए। कैन यू राइट दिस? चलो एकदम अच्छे से नीट क्लीन प्रॉपर लिखो, दूर दूर लिखो। डोंट ट्राई टू पुट एवरीथिंग वन पेज ओनली, एकदम दूर एंड स्पेस नीट एंड क्लीन। पेज बचाना नहीं है। अगर अभी लिखा रहेगा कोई इशू नहीं, घर पे जाके रिपीट करना है नहीं पूरा। आर यू गेटिंग दिस एवरी मिनट? वो पता चलेगा इतना पढ़ने का पूरा चैप्टर याद हो गया। देखो अभी अच्छा अगर ये पूरा हो गया है कैन वी मूव इट, तब इसको हटा दो। कैन वी रब दिस? सो आई रब दिस एंटायर। लास्ट पार्ट आ रहा है, लास्ट पार्ट किसके है बच्चों? कमिटी। You want me to cover up that or do you want me to baad mein likh? Cover up. Chal. Chal. Ab last committee mein kya aayega dhyan se dekhiye. Boy 1. Boy 2. Let's say teen boys the diye, boy 3. Aur girl 1 and girl. Ab ye log kya karenge? Committee banayenge. Kya banayenge? Committee. Ye aapka kya hai? Boy 1. Can we start? तो सबसे पहले बॉय वन के साथ क्या करेंगे? बॉय वन एंड बॉय टू। उसके बाद फिर क्या जाएंगे? बॉय वन बॉय टू बॉय थ्री। अच्छा फिर बॉय वन किसके पास जाएंगे? बॉय वन गर्ल वन। उसके बाद बॉय वन गर्ल टू। राइट, इज दिस ओके? एनी प्रॉब्लम? अच्छा बॉय वन की कहानी खत्म। अब किसके पास जाएंगे? बॉय टू। बॉय टू। अब डोंट से बॉय टू बॉय वन, क्यों? यू ऑलरेडी समझो यार, मैं राम और राम में एक ही व्यक्ति है ना, या दो बार लिखना है? देखो वन टू और टू वन ये अलग लोग हैं, बिकॉज दिस इज 12 एंड दिस इज 21। बट याद रखो राम एंड लखन एंड राम बोथ आर व्हाट? सेम। बिकॉज दे आर द पर्सन ना, दे आर नॉट नंबर। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब बॉय वन बॉय टू हो गया, तो डोंट राइट बॉय टू बॉय वन बिकॉज इट्स ऑलरेडी हैपेंड। ये एक सेट है, सेट आर आपने पढ़ा रहेगा 9th में, डिजिट्स आर नेवर रिपीट। कैन यू रिपीट द एलिमेंट? नहीं। अब जाते हैं बॉय टू, बॉय टू के साथ क्या आएगा? बॉय थ्री। सो वी राइट डाउन बॉय टू बॉय थ्री, बॉय टू गर्ल वन, बॉय टू गर्ल टू। अच्छा बॉय टू हो जाने के बाद आप किसके पास हैं? बॉय थ्री। तो व्हाट डू यू विल राइट? बॉय थ्री गर्ल वन, बॉय थ्री गर्ल टू। उसके बाद लास्ट गर्ल वन गर्ल टू। पर इसके सैंपल पॉइंट्स कितने हैं?
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस. व्हाट इज द टोटल सम? डिड यू गेट दैट? यस. आई एम डन फॉर टुडेज कंटेंट. नाउ प्लीज काइंडली वर्ड राइट इट डाउन. थैंक यू.